अनेक त्योहार प्रभावित हो रहे हैं। गणेश महोत्सव भी शुरू होने वाला है, मनमोहक मूर्तियों से बाजार सजे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मूर्तिकारों ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 फीट से 3 फीट तक की मूर्तियां बनाई हैं। बाजार का जायजा लिया संवाददाता शिवम मिश्रा ने। कोरोना संकट के बीच इस साल के गणेश पर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है। हालांकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल का जो गणेश पर्व है वो पंडालों के बदले घरों पर इसका ज्यादा माहौल नजर आएगा। कल से गणेश पर्व की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मनमोहक मूर्तियों से बाजार सजा हुआ है। यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियां रखी गई है, हर प्रकार की मूर्तियां रखी गई है, छोटी से लेकर के इस साल की जो मूर्तियों की साइज है वे 6 इंच से लेकर के 3 फीट तक की रखी गई है। चूंकि राज्य सरकार और चूंकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन है कि 4 फीट से ऊंची मूर्तियां नहीं बैठानी, इसलिए बाजार में जो मूर्तियां इस बार आई है वो केवल 3 फीट तक की मूर्तियां नजर आ रही है। देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से मूर्तियों को सजाया गया है, स्टोन लगाए गए हैं। जितनी मतलब इस बार जो बाजार है, जो मूर्तियां सजी हुई है गणेश भगवान की, इसमें जो देखने वाले मूर्ति का जो मूर्तिकार है वो किस तरीके से छोटी मूर्तियों में भी एक आकर्षण बना दिए हैं उसे स्टोन से सजा करके। हालांकि इस बार जो हर बार की तरह इस बार महाराष्ट्र से, बंगाल से, बाहर के अलग अलग राज्यों से जो मूर्तियां आती थी वे इस बार नहीं आ रही है। इस बार यहाँ के स्थानीय मूर्तिकार ही मूर्तियों को बनाए हैं और बाजारों पर अपने स्टॉल पर मूर्तियों को लगाए। हमारे साथ मूर्तिकार थे जिन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के गाइडलाइनों का पालन करते हुए इस बार जो हर बार बड़ी साइजों में मूर्तियां लाते थे वो इस बार कम करके केवल 3 फीट तक की मूर्तियों को ला करके रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार गणेश पर्व की धूम फीकी नजर आने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस साल गणेश पर्व पंडालों के बदले घरों पर रहेगा और घरों पर गणेश पर्व की धूम ज्यादा नजर आने वाली है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शुभम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।